नमस्कार, मैं रविश कुमार भारत सरकार के दो मंत्रालयों की कहानी बताता हूं। एक स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और एक शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक डॉक्टर नहीं है, लेकिन अलग से वो दवा बंटवा रहे हैं जिसे डॉक्टर हर्षवर्धन तो नहीं बंटवा रहे, मगर उसकी लॉन्च उन्होंने की थी। कोरोना के इलाज के लिए सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है या डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो ट्वीट किया है, उसमें डार्क चॉकलेट तो है मगर कोरोनिल नहीं है, जो रामदेव की तथाकथित दवा है। क्या शिक्षा मंत्री वो तथाकथित दवा बंटवा सकते हैं जिसका जिक्र आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइन में नहीं किया है? इतने लोगों की मौत के बाद क्या हम इस तरह से कोरोना से लड़ रहे हैं? यह ट्वीट शिक्षा मंत्रालय के ट्विटर हैंडल से किया गया है कि शिक्षा मंत्री ने योग गुरु रामदेव से आग्रह किया है कि हरिद्वार के 2500 कोविड मरीजों को उनके सामान्य रूप से चल रहे उपचार के साथ ही कोरोनिल भी दिया जाए। शिक्षा मंत्री किस जानकारी के आधार पर कोरोनिल बंटवा रहे हैं? 22 अप्रैल को आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइन में बताया है कि किस दवा के ज्यादा इस्तेमाल से क्या खतरे हैं, क्या लाभ है, लेकिन उसमें कोरोनिल का कोई जिक्र नहीं। 17 मई को जारी की गई उपचार की गाइडलाइन में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। कोरोनिल को लेकर इंडियन मेडिकल संघ ने विरोध किया है। आईएमए ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से सवाल किया था कि वे कोरोनिल के लॉन्च पर क्यों गए थे। 22 फरवरी को आईएमए ने कहा था कि अगर कोरोनिल से कोरोना को रोका जा सकता है तो सरकार टीकाकरण पर 35,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रही है। वैसे उस बजट का भी अब पता नहीं। शिक्षा मंत्री अलग से स्वास्थ्य मंत्री का काम कर रहे हैं पार्ट टाइम। प्रधानमंत्री मोदी को पता ही होगा, अगर मंत्री अपनी तरफ से कोई दवा बंटवा रहे हैं तो फिर सरकार को जवाब देना चाहिए और आईसीएमआर को अपना दफ्तर बंद कर लेना चाहिए। कुछ छात्र होते हैं ऐसे जिन्हें पता है कि प्रिंसिपल की डांट पड़ेगी, लेकिन उन पर उस डांट का कोई असर नहीं होता। बस वे प्रिंसिपल के सामने डरते हुए खड़े होने का बहाना करते हैं, डांट खाते हैं और छुट्टी के बाद पूरे प्रसंग पर हंसी मजाक करते हैं। वापस वही सब करने लगते हैं जिसके लिए डांट पड़ती है। कोविड के मामले में कोर्ट की फटकार सुन रहे अधिकारियों का भी लगता है यही हाल है। अप्रैल और मई के महीने में कोर्ट की फटकार अगर आप एक जगह जमा करें उन खबरों को और हालात पर नजर डालें जो जमीन पर हैं, तो पता चलेगा कि फटकार अपनी जगह है और सरकार अपनी जगह पर है। अधिकारियों के लिए अदालत की फटकार भी एक किस्म की पुचकार और दुलार हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली बार यूपी सरकार को नहीं फटकारा है। इस बार की टिप्पणी यह है कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे है। मुझे तो चिंता इस बात की है कि बहुत से लोग इसे कहीं तारीफ ना समझ लें कि अब सब ठीक है क्योंकि राम भरोसे है, लेकिन उन्हें समझना होगा कि इस प्रसंग में राम भरोसे का मतलब कुछ अलग है। तेरा राम ही करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। इस प्रिय भजन को यहां लागू मत कीजिएगा कि अस्पताल नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होगा, दवा नहीं होगी तो राम जी बेड़ा पार कर देंगे। राम जी ने मना नहीं किया था कि महामारी आने के एक साल तक कोई कुछ करे ही ना। इस बात को लेकर बिल्कुल उम्मीद ना रखें कि अदालत के यह कह देने के बाद कि यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे है, सारी चीजें बदलने लगेंगी और आपका भरोसा अस्पतालों में बढ़ने लगेगा। लेकिन यह मामला था क्या जिसकी सुनवाई करते समय अदालत को यह टिप्पणी करनी पड़ी? 21 अप्रैल को संतोष कुमार मेरठ के जिला अस्पताल में भर्ती हुए। एक दिन बाथरूम गए और वहां बेहोश होकर गिर गए। इस मामले की जांच के लिए कोर्ट ने 3 सदस्यों की कमेटी बना दी। कमेटी ने बताया कि डॉक्टर तुलिका ने बताया कि नाइट ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अंशु वहां मौजूद नहीं थे। संतोष कुमार को स्ट्रेचर पर लाया गया, उन्हें होश में लाने की कोशिश की गई मगर बच नहीं सके। जब संतोष कुमार भर्ती हुए तो उस समय डॉक्टर तनिष्क उत्कर्ष ड्यूटी पर मौजूद थे। उन्होंने संतोष कुमार की बॉडी हटवाई और फिर शव का पता नहीं चला। उनकी गिनती अज्ञात शवों में करा दी गई। अस्पताल में भर्ती मरीजों और मरने वालों की गिनती भी कराई गई, लेकिन संतोष कुमार का पता नहीं चला। अदालत ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि मरीज को भर्ती करने वाले डॉक्टर तनिष्क उसे पहचान नहीं सके। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि कोई कितने भी बड़े पद पर हो, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई यह हुई है कि प्रिंसिपल ने किसी का वेतन काटा है, किसी का कम किया है। कोर्ट ने कहा है कि वह सीधे सीधे ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों की लापरवाही थी। संतोष कुमार की बेटी को जिस यातना से गुजरना पड़ा है
आप में से कई उस यातना से वाकिफ हैं। 21 अप्रैल को संतोष कुमार भर्ती हुए थे और 3 मई तक अस्पताल वाले संतोष कुमार को अपडेट देते रहे कि ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग उनकी बेटी के पास है। संतोष कुमार के बारे में बेटी से झूठ बोला गया। 8 मई को बेटी को बताया गया कि 23 अप्रैल को ही उनके पिता की मौत हो गई और परिवार वालों का पता नहीं चला तो अंतिम संस्कार कर दिया गया। शिफा शिवांगी का पुराना वीडियो सुन सकते हैं। आज जब 7 मई को हम लोग गए उनके बारे में पता करने, तो बोले इस पेशेंट के बारे में हमें कुछ नहीं पता, आप देख लीजिए। सारा हमें वार्ड घुमाया, कोविड वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, पूरा हॉस्पिटल हमें घुमाया कि आप देख लीजिए, एक एक रूम चेक करवाया कि ये देखिए पेशेंट, आपका पेशेंट यहाँ पे नहीं है। उसके बाद बोले अब हमें इनकी कोई जानकारी नहीं है। सीसीटीवी फुटेज मांगा तो वो अभी तक हमें उन्होंने नहीं दिखाया है। और बोले हो सकता है आपका पेशेंट यहाँ से, एक दो पेशेंट यहाँ से जा चुके हैं, वो दिमागी रूप से कमज़ोर थे तो वो यहाँ से चले गए थे, तो हो सकता है आपका पेशेंट भी ऐसे ही चला गया हो यहाँ से, और तो कुछ नहीं हो सकता। हमें, हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसा कोई पेशेंट ऐसे चला जाए। और अब आप बताइए, इतनी बेडों की किल्लत है, अगर एक पेशेंट ICU 2 में एडमिट है और वो वहां से चला जा रहा है, अगर वो अपनी मर्जी से चला गया, चुपके से उठ के चला गया, जैसे भी चला गया, तो क्या पता नहीं चलेगा कि एक पेशेंट चला गया, उन्हें पता ही नहीं, एक पूरा बेड खाली हुआ है, उन्हें नहीं पता, ये कैसी इनकी बातें हैं। आम आदमी गलत इलाज और लापरवाहियों की फाइलें बनाकर यहां से वहां भटक रहा है, कोई सुनवाई कहीं नहीं है। शिवांगी की तरह तमाम लोगों को अस्पतालों के भीतर और बाहर अपने अनुभवों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना चाहिए कि बाकी लोगों को पता चले कि किस यातना से गुजरे हैं। कुछ नहीं तो सरकार का एक मंत्रालय जैसे कोरोनिल बंटवा रहा है, उसी तरह एक और मंत्रालय लोगों के वीडियो डिलीट करने का काम करने लगेगा। काम मिल जाएगा, जरूर काम पर नजर होती। अगर सरकार की नजर होती तो जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार को यह नहीं कहना पड़ता कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे है। कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई है कि बिजनौर जिले में कोई लेवल 3 अस्पताल ही नहीं है। जो 3 सरकारी अस्पताल हैं उनमें मात्र 150 बेड हैं, केवल 5 बाईपैप मशीनें हैं, हाई फ्लो नेजल कैन्यूला 2 ही हैं। यह सच्चाई तो सब जानते हैं मगर इस बार फिर से दोहराई जा रही है, अगली बार भी फिर से दोहराई जाएगी, क्योंकि अस्पताल बनाने, चलाने और चलते रहने के लिए जो बजट और स्टाफ चाहिए वो कभी पूरी नहीं की जाएगी। इस बीच सरकार बीमा का कोई नया कार्ड लॉन्च कर देगी और लोगों को लगेगा कि बीमा के कार्ड से इलाज हो जाएगा, भले अस्पताल ना हो और अस्पताल में डॉक्टर ना हो। 4 मई को इलाहाबाद कोर्ट ने ही कहा था कि हमें इस बात का बहुत दर्द है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने से कोविड के मरीज मर गए, यह पूरी तरह से अपराध है और नरसंहार से कम नहीं। उन लोगों के द्वारा नरसंहार है जिन पर यह जवाबदेही थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। 4 मई से 13 मई के बीच यही अंतर आया है कि अदालत की फटकार नरसंहार से राम भरोसे पर पहुंची है। हमारे इस क्रूर समय की एक खूबी है, टैक्स के पैसे से JNU क्यों चल रहा है इस पर बहस करने वाले लोग इन दिनों नजर नहीं आ रहे हैं। वो नहीं बता रहे हैं कि उनके टैक्स के पैसे से अस्पताल क्यों नहीं चल रहा है, ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा है। इस समय टैक्स राष्ट्रवाद आश्चर्यजनक रूप से गायब है। वैसे जैसे जैसे केस कम होने की खबरें हेडलाइन में बड़ी हो रही हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के रिश्तेदार फिर से IT सेल का मैसेज फॉरवर्ड करने लगे हैं, जो आपकी नियति में लिखा है वो कोई नहीं रोक सकता है। यह उन्नाव जिले का एक ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र है, बांगरमऊ ब्लॉक का यह स्वास्थ्य केंद्र कूड़ा घर बन गया है। यहां पर आशा और आंगनवाड़ी वर्करों का केंद्र बनाया गया था। इसे देखकर आप कह सकते हैं कि हम कभी भी महामारी से लड़ने के लिए तैयारी ही नहीं कर रहे थे। दरअसल होता यह है कि इमारतें बना दी जाती हैं, प्रचार हो जाता है, उम्मीद की मार्केटिंग हो जाती है, फिर कुछ नहीं होता। आपको भारत भर में ऐसी अनगिनत इमारतें अस्पतालों की मिल जाएंगी जो बनकर कई साल से खड़ी हैं और कूड़े के ढेर में बदल चुकी हैं। कारण वही है कि इन्हें चलाने के लिए कोई बजट नहीं दिया जाता। ग्रामीण इलाकों से ऐसी खबरें आम हो चुकी हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां बड़ी संख्या में लोगों की कोविड से मौत हुई है। केवल बयानों में सुनने को मिल रहा है कि टेस्टिंग ठीक की जा रही है गांव में। जब शहर में टेस्टिंग नहीं हो सकी
तो गांव में कैसे हो रही होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। मरने वालों का कोई रिकॉर्ड तक नहीं है। कमाल खान जौनपुर के एक गांव से रिपोर्ट भेज रहे हैं जहां एक महीने में 25 लोगों की मौत हो गई है। जौनपुर के पश्चिमी छोर से गुजरती गोमती किनारे बसे पिलखिछा गांव में एक महीने में 31 लोगों की मौत हो गई। ज्यादातर को कोरोना के लक्षण थे लेकिन टेस्ट नहीं हुआ। भवानी प्रसाद शर्मा के घर 3 लोग गुजर गए। पहले भाई प्रेम सागर शर्मा, बहू रागिनी शर्मा और पत्नी गीता शर्मा। गीता शर्मा 15 अप्रैल को बीमार हुई, 17 को गुजर गईं। अस्पताल तो सारे बंद चल रहे हैं, किसी मेडिकल स्टोर पे नपवाया बीपी बहुत लो था, किसी हार्ट डॉक्टर संपर्क करने की कोशिश किया, सागर अस्पताल बंद थी, वहां प्राइवेट डॉक्टर भी देखने से इनकार कर रहे थे सब। गांव में इतनी मौतों से दहशत है। गांव का शमशान इस दहशत को और बढ़ाता है, जहां कोरोना की वजह से दूसरे इलाकों के लोग भी बड़ी तादाद में अंतिम संस्कार करने आते हैं। चाय पान की दुकानें तक बंद हैं, जहां गांव वाले फुर्सत में अड्डेबाजी करते थे। रेनू यादव टीचर थीं, पंचायत चुनाव की ड्यूटी में गईं, कोरोना जैसे लक्षण के साथ गुजर गईं। 12 तारीख को ट्रेनिंग किए थे, उसके बाद कहीं नहीं गई, घर पे थी, केवल स्कूल जाते थे, स्कूल से फिर वापस घर पे। जैसे बुखार हुआ था, जैसे उनको दर्द हो रहा था पूरे बॉडी में, इसलिए हमसे सीटी स्कैन कराए, बाद में दूसरे दिन सांस का प्रॉब्लम होने लगा। इलाके के खुटहन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर बताते हैं कि इस बारे में SDM ने मीटिंग कर गांव में लोगों की टेस्टिंग कराने और उनमें जागरूकता फैलाने के लिए आशा वर्कर को जिम्मेदारी दी है। जितनी आशा संगिनियां हैं इनको जाके क्षेत्र में संदेश देना कि आपके जो भी इस तरह से लक्षण से ग्रसित मरीज हैं, सर्दी जुकाम बुखार सांस फूलना की समस्या से, इनको दवाएं देना, दवाओं दे के साथ साथ लगे हाथ जांच भी करा देना, ताकि ऐसे कोई गंभीर मरीज है तो तुरंत पकड़ में आ जाए जांच में। बिजनौर जिला अस्पताल में कोविड मरीज भरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ मरीज और तीमारदार दोनों परेशान हैं। तीमारदार कहते हैं कि स्टाफ काम नहीं करता, ना वक्त पे दवा देता है ना ऑक्सीजन। नाम है मेरी मदर जो है हॉस्पिटल में ही गवर्नमेंट जॉब पे सर्विस है, वो उनका भी इलाज नहीं कर पा रहे, इंजेक्शन के लिए कह रहे, स्टाफ को बुला रहे, स्टाफ आने को तैयार है, सिलेंडर बदलने के लिए कह रहे, सिलेंडर खत्म हो गया है, सिलेंडर चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। अस्पताल का स्टाफ कहता है कि मरीज ज्यादा हैं और स्टाफ बहुत कम, कम स्टाफ से इलाज करना बहुत मुश्किल है। स्टाफ अलग अलग होना चाहिए, अब दो स्टाफ है, तीनों वार्ड जितनी दिक्कत आती है। तीन वार्ड में कितने मरीज हैं टोटल? तीन वार्ड में एक एक वार्ड में कम 30-30 मरीज हैं, किसी में 30 हैं, किसी में 22 हैं, किसी में 28 हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि छोटे शहर और गांवों की स्वास्थ्य सेवा समझने के लिए हमने बिजनौर को टेस्ट केस के तौर पर लिया। बिजनौर शहर की आबादी 9,25,312 है, यहां लेवल 3 का एक भी अस्पताल नहीं। 3 सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 150 बेड हैं। यहां सिर्फ 5 बाईपैप और 2 नेजल कैन्यूला हैं। ग्रामीण बिजनौर की आबादी करीब 32 लाख है, यहां 10 CHC हैं, यानी 3 लाख के लिए 1 CHC। 3 लाख की आबादी पे यहाँ सिर्फ 30 बेड हैं। 300 बेड के लिए 17 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं, एक भी बाईपैप नेजल कन्यूला नहीं है। 300 बेड पे सिर्फ 250 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। गांवों में लोगों में कोरोना के लक्षण भी हैं और मौतें भी हो रही हैं, लेकिन ये तब तक प्रमाणित नहीं होगा कि मौतें कोरोना से हुई हैं जब तक टेस्टिंग ना हो जाए। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि गांवों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो। बिजनौर में जुबैर और जौनपुर में राजेश श्रीवास्तव, कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। पिछले 1.5 महीने के दौरान गुजरात हाईकोर्ट की टिप्पणी को निकालकर आप देखेंगे तो लगेगा कि अदालत सरकार को बेसिक काम तक बता रही है और सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा है। सोमवार को गुजरात हाईकोर्ट की टिप्पणी थोड़ी और सख्त हो गई। यह संदेश अखबार है गुजरात का। खबर की हेडलाइन में लिखा है कि क्या केंद्र सरकार रेमडेसिविर की कमी के कारण गुजरात के मरीजों को मरने देना चाहती है। गुजरात हाईकोर्ट को यह कहना पड़ा, जब गुजरात में रोजाना 25,000 रेमडेसिविर की मांग के बावजूद 16,115 इंजेक्शन ही देती है तो केंद्र सरकार गुजरात के साथ सौतेली मां के जैसा सलूक क्यों करती है, यह अदालत कहती है।
अगर देश में रोजाना 1 करोड़ इंजेक्शन का उत्पादन हो रहा है तो यह इंजेक्शन कहां जा रहे हैं? इस दवा की इतनी ब्लैक मार्केटिंग हुई है, कई लोगों ने लाखों में बेचकर करोड़ों कमाए हैं। देश भर में कई लोग इसे खरीदने में बर्बाद हो गए। नकली रेमडेसिविर बेचने की घटना तो अलग ही लेवल की है। हमारे समाज की नैतिक शक्ति वाकई विश्वगुरु बनने के लायक ही है, उससे नीचे और कितना नीचे आ सकते हैं हम? डू यू गेट माई पॉइंट? 27 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार गुलाबी तस्वीर पेश कर रही है जबकि हकीकत कुछ और है। अब आते हैं बिहार। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा है? पटना हाईकोर्ट कोविड की सरकारी व्यवस्था की निगरानी कर रहा है। राज्य के मुख्य सचिव अपनी रिपोर्ट में कोर्ट को बताते हैं कि बक्सर जिले में 1 मार्च से केवल 6 मौतें हुई हैं अब तक। पटना के कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर बताते हैं अपनी रिपोर्ट में कि 5 से 15 मई के बीच बक्सर के एक शमशान घाट पर 789 लाशें जलाई गई। 10 मई को 106 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। कोर्ट ने पूछा है कि दोनों में से सच कौन है। 19 मई को इसका जवाब देना है। 30 अप्रैल को बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की कोरोना से मौत हो गई। इसके बाद भी नौकरशाही का ईमान नहीं हिला है, पहले की ही चाल से चली आ रही है। आप सोचिए, जब कोर्ट में मुख्य सचिव 1 महीने में केवल 6 मौतें बता रहे हैं और दूसरे अफसर 789 बता रहे हैं, तो हकीकत में क्या हुआ हो? 789 मौतों को 6 मौतें बताने का नैतिक साहस और रात को नींद कहां से आती होगी, ये तो वही अफसर जानते हैं। क्या फर्क पड़ता है? कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि 6 मरे हैं या 789, सरकार की वेबसाइट पर अपडेट तक नहीं किया गया है। महामारी को मैनेज नहीं कर रहे हैं, मरने वालों की संख्या मैनेज की जा रही है ताकि कम बता सके। जिनके घर मौत हुई है उन्हीं से झूठ बोला जा रहा है कि मौत नहीं हुई है। कोर्ट ने कहा है कि मुख्य सचिव ने यह तक नहीं कहा कि बक्सर में 6 मौतें हुई हैं वो कोविड से हुई हैं या नहीं, और पटना के डिविजनल कमिश्नर ने यह नहीं बताया कि 789 मौतें गैर कोविड हैं या नहीं। अदालतें देरी कर रही हैं, वैसे उन्हें तुरंत शमशान और कब्रिस्तान के सारे रिकॉर्ड जब्त कर लेने चाहिए। अधिकारी बात घुमाते रहेंगे। यह तब है जब 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकारी इंतजाम की हालत यह है कि महामारी की व्यवस्था सेना को सौंप देनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने तब भी इस्तीफा नहीं दिया। फटकार और सरकार में कोई तालमेल नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री ने बयान जारी किया है कि राज्य सही आंकड़े दें। यह हाल है आंकड़ों का। जहां उनकी पार्टी की सरकार चल रही है वहां भी वही हाल है। वैशाली जिले की इस इमारत को सरकारी शब्दावली में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहते हैं। कम से कम अंग्रेजी नाम नया मालूम पड़ता है। इमारत का अपना हेल्थ खराब है और उसे ही वेलनेस की जरूरत है। इस गांव में जब मनीष कुमार गए तो बाहर कुर्सियां पड़ी थीं, इमारत बंद थी। कुछ दिन यहां टीकाकरण चला लेकिन टीका ना होने के कारण इस सेंटर को बंद कर दिया गया। बिग न्यूज यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहे हैं ताकि घर में बीमार लोगों का पता लगाया जा सके। इतना अच्छा अस्पताल होते हुए अगर सरकार पता कर लेती है कि आप घर में बीमार हैं, यकीनन आपका इलाज हो ही जाएगा। व्यवस्था का तो हो नहीं सकता, क्या पता यहाँ इस इमारत में इलाज हो जाए। मनीष को लोगों ने बताया कि 1,00,000 रुपए देकर ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर खरीदे हैं। आम लोगों की जमा पूंजी लूट रही है सरकार, अदालत में फटकार फांक रही है। इलाज कराने के लिए तो हम ले ही गए लेकिन इलाज ठीक कराने में ठीक नहीं हुआ। ऑक्सीजन का सिलेंडर हमको 1,05,000 में 2 सिलेंडर खरीदना पड़ा। ऑक्सीजन का 1,50,000 में लिए, 1,55,000 में लिए। इतनी दुर्दशा हुआ हम लोगों को, समय पर कोई इलाज नहीं है। यहाँ क्या PHC की क्या सेंटर बना हुआ है ना, उसमें तो ना जांच करने का कोई प्रावधान है ना कुछ करने का प्रावधान है। मोदी जी सब लोग कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे, ये गुरु है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं, जिसके पास बेड नहीं, जिसके पास स्वास्थ्य केंद्र पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। हे आदरणीय ग्रामीण, विश्व गुरु अस्पताल बनाकर नहीं बना जाता है। विश्व गुरु बना जाता है गोदी मीडिया के जरिए,
झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाकर और ठग कर। अस्पताल में बेड नहीं है तो क्या हुआ, हम क्यों नहीं विश्व गुरु बन सकते हैं? हम तो बिना वैक्सीन के ही वैक्सीन गुरु बन रहे थे, याद है कि नहीं टीवी का डिबेट। हजारीबाग जिला मेडिकल कॉलेज में तो 200 ऑक्सीजन सिलेंडर की चोरी करने का मामला सामने आया है। जब एक व्यक्ति अपना सिलेंडर भराने डेमोटांड प्लांट गया तो वहां पूछने पर बताया कि किससे खरीदा है। जांच में पता चला कि 200 सिलेंडर की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने अस्पताल के प्रबंधक और चार अन्य को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है कि आखिर 200 सिलेंडर की चोरी कैसे हो गई। अस्पताल से सिलेंडर चोरी हो जा रही है, दवा और इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, यह सब पहले की भांति चल रहा है। बस जान बचाने के लिए जो होना था वो नहीं चल रहा है, वो अब हो रहा है जब बड़े शहरों में संक्रमण की संख्या कम होने लगी है। तो आप देखेंगे कि जगह जगह सरकारें, सांसद, विधायक इन दिनों 50-100 बेड के अस्पताल बनाने की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जब लोग मर रहे थे तब इनका पता नहीं था। गांवों में किस तरह की तैयारी की गई थी और अब क्या तैयारी की जा रही है, इसका अभी तक ठोस रूप से कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार पिछले साल कोरोना के कारण 730 डॉक्टरों की मौत हुई। सरकार ने तो संसद में बहुत कम संख्या बताई। इस साल आईएमए का कहना है कि इस साल कोरोना के कारण 244 डॉक्टरों की मौत हो गई। 16 मई के दिन 50 डॉक्टरों की मौत हुई है इस देश में। एक दिन में 50 डॉक्टरों की मौत हो जाए और खबर नीचे सरका दी गई। हम इसी तरह से तो पॉजिटिव होने की तरफ बढ़ रहे हैं। एक झूठ का सच बाहर आया तो दूसरे झूठ की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आईएमए के अनुसार केवल 3% डॉक्टरों को ही टीका लगा है। डॉक्टरों को बहुत स्ट्रेन हो गया है इसके अंदर। डॉक्टरों को कम से कम 14-16 घंटा काम करना पड़ रहा था, 14-14 घंटा पीपी किट पहनो, दे आर नॉट कीपिंग देमसेल्फ हेल्दी इनफ, रेस्ट नहीं मिल रहा है और ओवर ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये जो मेन इश्यू था उनको वायरल लोड बहुत होता था। ये वायरल लोड होने के कारण वो जब भी मरीज बन के आते थे तो उनको 2 या 3 दिन में वो एकदम क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाते थे। ऐसा नहीं होता था कि नॉर्मली ये पेशेंट्स जो है जैसे 3-4 दिन देखते हैं और धीरे धीरे वो उनको कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, लेकिन इनको जल्दी कॉम्प्लिकेशन होने लगे। या तो ये स्ट्रेन जो है वो विरुलेंट हो सकता है या मिक्स हो सकता है या एक ही वार्ड में मल्टीपल प्लेसिस कोविड के रहने से ये डॉक्टर लोगों को बहुत स्ट्रेन हो गया, उनको रेस्ट नहीं मिली। और वो एक मेजर कारण मैं समझता हूँ कि शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर, जो गवर्नमेंट और रिस्पेक्टेड हॉस्पिटल्स ने ध्यान देके इसके इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। 16 मई को 50 डॉक्टरों की मौत हुई। दिल्ली के दो बड़े डॉक्टर, डॉक्टर शेखर अग्रवाल और डॉक्टर के अग्रवाल भी कोविड के कारण नहीं बच सके। आईएमए का कहना है कि यूपी में कोरोना के कारण इस साल 34 डॉक्टरों की मौत हुई है और दिल्ली में 28। दिल्ली में 10 मई को डॉक्टर शेखर अग्रवाल और 17 मई को डॉक्टर के अग्रवाल की मौत हो गई, मगर सबसे अधिक बिहार में 78 डॉक्टरों की मौत हुई है। पटना के आईजीएमएस के कोरोना वार्ड के आईसीयू में जरा भी जगह खाली नहीं है। ऐसे वार्डो में रात दिन काम करने वाले 80 से ज्यादा डॉक्टर, नर्सें और फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मी इस दूसरी लहर में कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ये हमारे जो डॉक्टर मरे हैं, जो 50 लाख देने की बात है अभी तक नहीं हुआ है, उसको देने की कृपा करें। कारण कि यदि प्रोत्साहन राशि यदि कुछ परिवार को नहीं मिलेगा तो जो डॉक्टर जान परखेल के काम कर रहा है उसको करने में दिक्कत होगी। विशेषज्ञों की माने तो इस बार वायरस के खतरनाक स्ट्रेन के कारण भी समय पर इलाज के बावजूद स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हुई। बिहार के स्टेट में ऐसा मैंने कभी नहीं सुना था, और ऐसा भी नहीं कोई जवान या बूढ़ा, यंग डॉक्टर एकदम 25 साल का, 26 साल का, 24 साल का डॉक्टर सबकी मृत्यु हो रही है। तो इसलिए हम तो क्या बताएं, ये वही कारण है कि पहले का जो देखिए यही कंसेप्ट जो शुरू में था 2 फीट का 6 फीट का दूरी और ये सब तो खत्म है। ये तो एरोसोल इफेक्ट है, वातावरण में वो है। अब जहाँ पर बहुत ज़्यादा वातावरण में है, हॉस्पिटल में हम काम कर रहे हैं और उसके आउटडोर में बहुत ज़्यादा वातावरण में है, तो मान लिया उधर से गुजर रहे हैं, कितनों मास्क पहने हुए, चाहे बतियाने के लिए इन्हें हो गया, मास्क घसक गया घुस गया,
और उसके बाद हो गया। लेकिन सवाल है कि आईएमए को आखिर अपने मृतक सहयोगियों के परिवार वालों की मदद करने के लिए पूरे देश में चंदा क्यों मांगना पड़ रहा है? अभी तक मैं ऑल टुगेदर इस साल अब जो सेकंड जो स्ट्रेन आया है 83 है और पहला मिलाकर के 120 लाख हो गया है और अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट से 4 लोगों को मुआवजा मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस स्कीम है उसके तहत हम लोगों ने बिहार राज्य से कई अनुशंसाएँ भेजी हैं जिसमें आज के दिन में 29 रिकमेंडेशंस हम लोगों ने भेजा है, 6 की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। अभी जब हम ये खबर फाइल कर रहे थे कि खबर आई कि पटना के मशहूर हार्ट सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार भी आखिरकार कोरोना से अपनी जंग हार गए। निश्चित रूप से इससे बड़े सदमे की खबर ना बिहार और ना ही देश के लोगों के लिए हो सकती थी। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारे देश के अधिकारी और बाबू हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स के इस शहादत को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज नहीं करेंगे और उनके प्रति संवेदना दिखाएंगे। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए। महामारी की संख्या के बारे में देखा गया है कि जब ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ता है, चढ़ाई जब खड़ी होती है तो तेजी से नीचे भी आता है। हम नहीं जानते कि केस के कम होने में सरकारी या मानवीय हस्तक्षेप की क्या भूमिका है। अगर केस की संख्या नीचे जा रही है तो फिर गांवों में इसके फैलने की खबर का डेटा किस खाते में जोड़ा जा रहा है, वो तो है नहीं। सब कुछ राम भरोसे है। आप अपने टैक्स के पैसे से यही हासिल कर पाए, मुबारक हो। ब्रेक के बाद सोमवार को गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और दीव के समुद्री तटों से जो तूफान गुजरा वो बहुत भयानक था। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जानकार 100 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार वाली हवा को खतरनाक मानते हैं। 10 किलोमीटर की रफ्तार वाली हवा बस झोंका होती है जिसे आप चेहरे पर महसूस करते हैं। 20-30 किलोमीटर की रफ्तार वाली हवा अंधड़ हो जाती है जिसमें पेड़ बुरी तरह हिलते हैं, समंदर में लहरें उठती हैं। 75 से 80 किलोमीटर वाली हवा में पेड़ उखड़ जाते हैं, समंदर में 7 मीटर तक लहरें उठ जाती हैं। 100 किलोमीटर पार की हवा में मझोले जहाज समंदर में भटक जाते हैं, समंदर में बस फेन दिखाई पड़ता है, बेतरह तबाही हो सकती है। कल जो तूफान आया वो गुजरात के तट पर टकराते समय 185 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा था। इसी से अंदाजा लगाइए कि उसमें तबाही पैदा करने की कितनी ताकत थी। 20 साल पहले ऐसे तूफान बरसों तक ना मिटने वाले निशान छोड़ जाते थे, लेकिन पिछले 2 दशकों में मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन में जो वैज्ञानिक पहलू जुड़ा है उसकी वजह से ये तूफान बहुत सीमित नुकसान पहुंचा पाते हैं, लेकिन फिर भी जो होता है वो बड़ा ही होता है। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई के करीब अरब सागर से गुजरते तूफान ताउते ने सोमवार को 2 जहाजों को अपनी चपेट में ले लिया था जिनमें कुल 410 लोग फंसे हुए थे। बार्ज P305 बॉम्बे हाई में फंसा जिसमें 273 लोग सवार थे। ये बार्ज बाद में डूब गया लेकिन उससे पहले ही नौसेना ने 180 लोगों को बचा लिया। चिंता की बात यह है कि बाकी 93 लोग अभी लापता हैं। वो रफ हो गया, उसमें एंकर टूट गया, वो बोर्ड बेकाबू हो गया, किधर जाएगा मालूम नहीं है, तो उधर ही से वो हो गया। तो कैप्टन लोग भी कुछ कर नहीं पाया, भी क्या कर पाएगा, वो जब वो बेकाबू हो गया ना तो उसमें आदमी इधर उधर को छलांग लगाते हुए कुछ भी। तो लाइफ जैकेट पहन के आप पानी में ऐसे तैर रहे थे रात भर? रहता है, इधर से उधर उधर से उधर। शोर मचाया होगा, आपने मदद की आवाज लगाई होगी? हाँ, फिर चोपर वाला आया, उसने हेल्प किया बेचारे ने, नहीं तो हम 10-15 मिनट में मर जाते। बार बार कोस्ट गार्ड और दूसरी एजेंसियां समंदर में चेतावनी दे रही थी मछुआरों को और बाकी लोगों को, बंदर सुरक्षित ठिकानों पर जाने का, बंदरगाहों पर जाने के लिए कहा जा रहा था। जो मर्चेंट नेवी शिप थी और बाकी लोगों को भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन फिर भी क्यों नहीं ONGC ने बॉम्बे हाई में
तेल खुदाई में लगे अपने लोगों को बाहर निकाला, सुरक्षित ठिकानों पर उन्हें समय रहते पहुंचाया, क्यों उसने कोताही बरती और उनको वहीं रहने दिया। नौसेना के चार युद्धपोत अरब सागर में बचाव अभियान में जुटे रहे। दूसरे बार्ज गॉल कंस्ट्रक्टर के सभी 137 लोगों को समय रहते बचा लिया गया। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 130 साल में पहली बार मुंबई में इतनी तेज हवाएं चली। सूत्रों के मुताबिक मौसम विभाग का राडार भी काम नहीं कर रहा था। यह तूफान अपने पीछे तबाही के तमाम निशान छोड़ गया। मुंबई के विक्रोली में एक महिला तूफान से गिरे पेड़ से बाल बाल बची। गोवा और महाराष्ट्र के बगल से गुजरते इस तूफान ने 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब गुजरात के सोमनाथ जिले के ऊना में तट को पार किया तो पूरे सौराष्ट्र इलाके में तबाही मचा दी। तूफान से सौराष्ट्र में करीब 17,000 घरों को नुकसान पहुंचा, वहीं पेड़ गिरने की 40,000 से ज्यादा घटनाएं सामने आईं। कई जगह कच्चे घरों की छतें उड़ गईं। भावनगर, गिर, सोमनाथ और अमरेली जिलों में भारी नुकसान हुआ। नाडियाड जिले में एक पेड़ के नीचे दबने से दो लोगों की मौत हो गई। तूफान के साथ तेज बारिश से कई निचले इलाकों में पानी भर गया। इस तूफान ने गुजरात में खेतों में खड़ी फसल को भी भारी नुकसान पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक गुजरात में तूफान से करीब 5,00,000 हेक्टेयर इलाके में खेती को नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा नुकसान फलों और फूलों का हुआ। आम की फसल को तो भारी नुकसान हुआ। आम का सीजन शुरू हो चुका है और पेड़ों पर आम लदे हुए थे, लेकिन तूफान आम के किसानों पर कहर की तरह टूटा। गिर में भी कई एकड़ में लगे आम के बागान तूफान में तबाह हो गए। आम से लदे पेड़ तेज हवा के कारण खाली हो गए। जमीन पर गिरे कच्चे आम भी खराब हो रहे हैं। मंगलवार शाम को तूफान सौराष्ट्र में सुरेंद्रनगर से 40 किलोमीटर पश्चिम में केंद्रित था और अब ये कमजोर पड़ रहा है। तूफान से अगले कुछ घंटों में राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। बुधवार शाम को दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ और इलाकों में भी तेज बारिश होने की संभावना है। सुनील सिंह के साथ सोहित मिश्रा की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।